बातें, दिल्ली एनसीआर में ईडी ने छापा मारा है। जी हां, बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में ईडी का छापा, क्वालिटी लिमिटेड के ठिकानों पर यह छापा मारा गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट और आइसक्रीम कंपनी ये बनाती है जिस पर छापा मारा गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 1400 करोड़ के फर्जीवाड़े का इस कंपनी पर आरोप है। एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया है। तो दिल्ली एनसीआर में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्वालिटी लिमिटेड के ठिकानों पर छापा मारा गया। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कितने बजे से ईडी का ये छापा दिल्ली एनसीआर में शुरू हुआ शंकर आनंद, और कितना घंटा गुजर चुका है कि ईडी का छापा अभी भी जारी है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 13 से ज्यादा लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो ये तकरीबन 1400 करोड़ रुपए का बैंक लोन घोटाला मामला था। और इस मामले में साल 2020 में सीबीआई के द्वारा केस को रजिस्टर्ड किया गया था, और उसके बाद इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया था। उसके बाद कुछ नए इनपुट्स मिले थे, उसके बाद इस केस में ईडी की एंट्री होती है। ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस केस को दर्ज किया गया, और उसके बाद आज 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में अगर इनपुट की अगर बात करें तो आज जिस तरह से सुबह में सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई जो महत्वपूर्ण लोकेशन पर जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था तो वहां से काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को और अन्य सबूतों को इकट्ठा किया गया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो भी जब्त किया गया है। और जिस तरह से इस मामले में अगर बात करें तो इसका कई राज्यों से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या उसके जो कंपनी से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है, कोलकाता से भी जुड़ा हुआ मामला निकल के सामने आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जिस तरह से 1400 करोड़ का ये जो बैंक लोन घोटाला मामला था, इस मामले में जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है, तो देर शाम तक इस मामले में कुछ नए खुलासे जो है जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो क्वालिटी लिमिटेड कंपनी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। दिल्ली एनसीआर में एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। देर शाम तक देखना ये होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे मारने के हवाले से क्या कुछ खबरें निकल कर और सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।